आपके अपने चैनल मार डिजिटल सेवा में आज लेकर के आए आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी और आपको बताने जा रहा है 12th क्लास के सीबीएसई एग्जाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं कि एग्जाम नहीं कराए जाएंगे, अभी अभी न्यूज आई है और जिसमें पीएम मोदी जी ने बोला है कि अब एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। तो क्या जानकारी आई है, सब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाने के बाद और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको इसी प्रकार नई नई जानकारी मिलती रहे समय से पहले। तो फ्रेंड्स, सीधा समय ना लेते हुए सीधे चलते हैं आपको दैनिक भास्कर की न्यूज पर। जैसे फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं दैनिक भास्कर के ऑफिशियल पेज पर और यहाँ पर आपको नीचे ड्रैग करना है। आप दैनिक भास्कर ओपन करोगे तो सीधा सीधा आपको मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा भी रद्द की। इस साल सीबीएसई 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सरकार के इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, रद्द कर दी जाएंगी और एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। इससे पहले 10वीं के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, साथ ही ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है, हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 12वीं का रिजल्ट तय समय सीमा के भीतर और तार्किक आधार पर तैयार किया जाएगा। साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री की पांच बड़ी बातें बैठक में प्रधानमंत्री की पांच बड़ी बातें हुई, जिसमें एक, छात्रों के हित को ध्यान में रखकर ही 12वीं की परीक्षा पर फैसला लिया गया है। साथ ही पॉइंट नंबर 2 है, छात्रों की सुरक्षा और सेहत हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इस पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। साथ ही थर्ड पॉइंट है, परीक्षा को लेकर छात्र, पेरेंट्स और टीचर सभी परेशान थे, इस फैक्टर को खत्म किया जाना जरूरी था। साथ ही पॉइंट नंबर 4 पर, ऐसे दबाव भरे माहौल में छात्रों को परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाना ठीक नहीं होगा। साथ ही पांचवें नंबर का पॉइंट है, परीक्षा से जुड़े सभी पक्षों को इस समय छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। साथ ही प्रधानमंत्री के सामने सभी विकल्प रखे गए, जिसमें बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के सामने परीक्षा कराने के सभी विकल्प रखे गए हैं। ये विकल्प राज्य सरकार और सीबीएसई बोर्ड के साथ लंबी चर्चा के बाद तैयार किए गए थे। अरविंद केजरीवाल ने एग्जाम रद्द करने की मांग की थी, जो कि सुबह सुबह वीडियो डाला हुआ था, जिसमें जो है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि सीबीएसई के एग्जाम ना कराए जाए, उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उनका जो है रिजल्ट तैयार किया जाए। इसी प्रकार जो है बात मानी गई और उन्होंने कहा था कि पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर ही छात्रों का आकलन किया है। केजरीवाल ने कहा था, पेरेंट्स परेशान है, वे नहीं चाहते कि वैक्सीनेशन किया किए बिना परीक्षा हो। एग्जाम रद्द होने के बाद उन्हें इसे छात्रों के हित में लिया गया फैसला बताया है। साथ ही कोरोना के बीच मंथन किया गया और ये यहाँ पर केंद्र के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन का वक्त मांगा था। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसमें केंद्र ने कहा था कि वह गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना प्लान पेश करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आप जो भी निर्णय लेंगे उसके पीछे आपको मजबूत दलील देनी होगी। जस्टिस खानविलकर ने कहा था कि छात्रों को बहुत उम्मीद थी कि इस साल भी पिछले साल की तरह परीक्षा नहीं होगी और नंबरिंग के लिए मेथड सिस्टम अपनाया जाएगा। इसी के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेश वैक्सीनेशन के बिना परीक्षा कराने के खिलाफ थे, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, मेघालय, झारखंड और तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश इस भाजपा शासित राज्य में राज्य ने भी परीक्षा से पहले वैक्सीनेशन का सुझाव दिया था। इधर 12 राज्य चाहते थे कि 3-4 विषयों की परीक्षा हो, समय भी घटे। देशभर में 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों ने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेजे थे, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड, केरल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान के परीक्षा से पहले टीके का सुझाव दिया था। महाराष्ट्र ने ऑनलाइन परीक्षा की भी बात कही थी, जिसने छात्रों ने भी चीफ जस्टिस के लिए चिट्ठी लिखी थी, जिसमें 3,000 छात्रों ने परीक्षाओं को लेकर करीब एक हफ्ते पहले चीफ जस्टिस एनबी रमना को चिट्ठी लिखी थी। कहा था कि कोरोना के बीच फिजिकल एग्जाम का सीबीएसई का फैसला रद्द किया कर दिया जाए, उसी के आधार पर ये जो है आपका जो एग्जाम रद्द किए गए हैं। तो ये जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी ये आप जानते हैं। और साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसी प्रकार के आपको नई नई न्यूज समय पर मिलनी चाहिए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेगा।
बेल का बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के वीडियोस मिलते रहे समय से पहले, क्योंकि हम लेकर के आते रहते हैं आपके लिए जॉब वाला टेक्निकल न्यूज, एजुकेशनल वीडियोस और सॉफ्टवेयर संबंधी सभी समस्याओं का समाधान। तो आज के लिए बस इतना ही था, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।